ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी वसुधा बहन एकदम ठीक है। वो तो हम उसकी पढ़ाई को लेकर बात कर रहे थे। वसुधा बहन कॉलेज नहीं जाएंगी, वो अपनी पढ़ाई घर से ही पूरी करेंगी। क्या? हाँ, ललिता काकी का फोन आया था, वो ये कह रही थी कि ये निर्णय वसुधा बहन का ही है। ये हो ही नहीं सकता छुटकी। यही मैं भी कह रही हूँ कुमुद भाभी से कि बहन ऐसा निर्णय ले ही नहीं सकती। मैंने और मम्मी ने भी यही कहा, लेकिन पापा मानने को तैयार ही नहीं है। अब क्या होगा? घर संभालते संभालते बेन आगे की पढ़ाई कैसे पूरी कर पाएगी? यही तो ललिता काकी चाहती है कि बेन की पढ़ाई रुक जाए। तुम लोग चाह कर भी वसुधा की जिंदगी बदल नहीं सकते। इसके लिए वसुधा को खुद आगे आना होगा, ललिता काकी को मजबूर करना होगा कि वो अपना वादा पूरा करे। वादा तो वो लोग कब का भूल गए भाभी, वरना अब तक तो बेन की पढ़ाई शुरू कर दी होती। हाँ, शादी के पहले की हुई शर्त को वो लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्हें बहू ने घर में काम करने वाली नौकरानी चाहिए जो उन्हें मिल गई। ऐसा नहीं कहते छुटकी। तो क्या कहूँ भाभी, बेन ने पप्पा की खुशी के लिए शादी के लिए हाँ कह दी और अब सासरे की खुशी के लिए अपने सारे सपने कुर्बान कर रही है। अगर पप्पा को बेन की पढ़ाई की इतनी चिंता थी तो शादी करवाई क्यों? काका ने अपनी मजबूरी बताई है तुम लोगों? कोई मजबूरी नहीं है, भारी तो नहीं पड़ रही थी ना मेरी बहन उनको। छुटकी शांत हो जा, कहीं आवेश में आके तू काका के संग झगड़ा मत कर लेना। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे भाभी, सच्ची अने हूँ कहीं करी शकत न थी। आज कॉलेज में भी सब पूछ रहे थे कि बहन आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करेगी या नहीं। मैं तो कुछ बोल भी नहीं पाई। बस बस बेला, बिल्कुल चुप हो जाओ, एकदम चुप। बेला चुप हो जाओ, अगर मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। मेरे बिल्कुल शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। बोलो बोलो, बताओ शांत क्या बेला, क्या बात है, मुझे खुलकर बताओ। मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए ही हूँ बेला, बताओ क्या बात है। यही है मेरे प्यार का अंजाम। मुझे लगता है कि तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है ना बेला। अगर झगड़ा हुआ है तो सुलह कर लो, इसमें इतना रोने की क्या बात है। झगड़ा 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 आज का नहीं, झगड़ा तो रोज होता है। मैं हर पल मर रही हूँ वसुधा। जिस निशान को तुम और मैं जानते थे ना, वो ये निशान बिल्कुल नहीं रहा, वो बिल्कुल बदल गया। तुमने अभी देखा ना वो किस तरह से मेरे साथ बात करता है। मेरी जिंदगी तो नरक हो गई है। मैं क्या करूं, मैं कैसे जीऊं बेला। मैं खुद हैरान हूँ निशांत को ऐसा देखकर। मेरी समझ में तो खुद नहीं आ रहा है कि निशांत को ये हो क्या गया है, वो इतना बदल कैसे गया है? और तुम दोनों की जिंदगी इतनी बदल कैसे गई? ऐसा भयानक बदलाव मैंने सोचा नहीं था। मैंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर निशांत से शादी की। लेकिन आंटी तो तुम्हारे और निशांत की शादी के लिए राजी थी ना। पहले तो माँ राजी थी, बाद में उन्होंने मना कर दिया निशांत के साथ शादी करने से। मैंने माँ की मर्जी के खिलाफ जाकर निशान से शादी की, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। मुझे निशान पर पूरा भरोसा था। नहीं तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सुलझा हुआ इंसान अचानक से इतना बदल कैसे गया। पर बेला तुम तो खुद इतनी अच्छी डांसर हो,
हूं नहीं थी। ईशान ने मेरा डांस भी छुड़वा दिया। क्या? हाँ, जो निशान एक दिन मेरे डांस का फैन हुआ करता था, आज वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि मैं डांस करूं या कोई स्टेज शो करूं। पर क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि मैं उसका घर संभालूं, हर पल उसके सामने रहूं, उसकी सेवा करूं, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करूं। निशांत ऐसा सोचता है? चौंक गई ना, जब उसने मुझसे ये सब कहा ना तो मैं भी चौंक गई थी। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि निशांत ही तो था जो हमेशा कहता था कि वो तुम्हारी कला का सम्मान करता है, तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, अचानक से वो इतना बदल कैसे गया? मैं निशांत के साथ घुट घुट कर जी रही हूँ वसुधा, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने निशांत के साथ शादी करने का फैसला किया। शायद मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो आप अपने पियर क्यों नहीं चले जाते? कैसे जाऊं? माँ तो मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहती। एक टाइम पर निशांत के साथ रहने के सपने देख, आज मेरी मजबूरी हो गई है। निशांत मुझे एक भी शो नहीं करने देता, मुझे सबको बोलना पड़ता है कि मैं अब डांस नहीं करती। इंसान को समझना कितना मुश्किल है। तुझे याद है हमारे क्लास की वो वृंदा जो जगमोहन के साथ घूमती रहती थी? हम सब उसे कितना मना करते थे कि जगमोहन अच्छा लड़का नहीं है, आवारा है, मत घूम उसके साथ। हाँ, वही वृंदा जगमोहन के साथ बहुत खुश है। जगमोहन एक बहुत ही अच्छा इंसान बन गया, वृंदा का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, उसे नौकरी भी करने दे रहा है और वो खुद भी नौकरी कर रहा है, वो दोनों बहुत ही खुश है। नहीं, इस बात को तो मैं मान ही नहीं सकती। मैं भी नहीं मानती थी, पर मैं खुद जाकर उन दोनों से मिली हूँ, वो दोनों बहुत खुश है। मैं मानती थी कि निशांत सबसे समझता है, मुझसे बहुत प्यार करता है, पर मेरी सारी धारणाएं गलत हो गई। आज निशान सिर्फ कहने के लिए मेरा पति। वसुधा से बात की? अरे हाँ भाई, हाँ, अच्छे से कर ली, अच्छे से कान भर दिए हैं उसके। मैं कोई कच्चा काम करती नहीं कभी। क्या कहा उसने? वसुधा बोलती कम है, सोचती ज्यादा है। वो तो सोचती रह गई, ऐसी चाबी मारी। क्यों सोचती रही क्या उसे क्या करना है? भगवान भलो करे था। लेकिन एक बात है कि सोनल ने इस घर को छोड़कर ने अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया है। हाँ, वरना ये तुम्हारी मोटी बहन है ना, उसे भी चार दीवार में बंद रखती, अपनी बहू को जैसे रखती है। सोनल को वहां कुछ देखकर मैं यहाँ कुछ रहता हूँ। अगर इतनी खुशी है तो इस खुशी को ना कभी बाहर भी निकालना चाहिए, दिखाना भी चाहिए उसको। हाँ, वो कैसे? मैं बहुत खुश हूँ। अरे खुश हो तो अपनी दिकरी को फोन लगाओ ने, वो भी कितना खुश होगी। फोन करो। ये बात सही है, मैं अभी लगाता हूँ। हेलो, कैसी है मेरी दिकरी? एकदम मजा मजू पापा, आप और मम्मी कैसे हैं? अरे बेटा मैं तो ठीक हूँ, पर तेरी मम्मी खा खा के मोटी हो रही है, एकदम कुल्फी फलूदा हो गई। पापा, मम्मी टेंशन लेने वालों में नहीं है, वो तो टेंशन देने वालों में है। आ एकदम साची बात है बेटा। और बता जतिन कैसा है? वो भी मजे में है पापा। तेरे साथी है? नहीं नहीं, वो तो अपने काम से गया है पापा, मैं तो शूटिंग पर हूँ। बस ये लास्ट सीन ही चल रहा है, उसके बाद मैं भी घर जाऊंगी। अरे मेरी भी बात कराओ ना। रुक रुक, सोनल अपनी मम्मी से बात कर, तुझसे बात करने के लिए बहुत उतावली हो रही है।
हाँ, केम से? अरे मजा माने? एकदम फर्स्ट क्लास छू मम्मा। अरे बेटा, अपनी तबीयत का ख्याल रख रही है कि नहीं बराबर? खाना तो टाइम पे खा रही है ना? हाँ मम्मी, और मुझसे ज्यादा ख्याल तो जतिन रखता है मेरा। अरे वो खुद मेरे लिए कॉफी, नाश्ता सब बनाता है। ओहो हो, कितना भला लड़का है। अरे बेटा, मेरे को ये जतिन बहुत पसंद है। अरे मम्मी, दोस्त किसका है वो? आखिर मेरा ही ना। आ, बेटा, ऐसा लड़का ना कभी ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। वो तुम दोनों के बहुत खुश हो बेटा, मेरी तरफ से ना दिल से बहुत बहुत आशीर्वाद हो। थैंक यू मम्मी। अच्छा मम्मी, कुछ सीन वाची लो हमें। हाँ बेटा, हाँ वाची ले, वाची ले। हाँ बेटा, हम से हो। ओके मम्मी, बाय। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अरे सोनल तो बहुत मजा माचे। ठीक ठीक, सफरचंद सफरचंद देवर कट। हाँ बस रह के काम। इतना टाइम लगाती है कट। जय श्री कृष्ण फैबा। जय श्री कृष्ण दिकरा। आज तू घर जल्दी आ गयो? हाँ फैबा, काम खत्म हो गया था तो बॉस से इजाजत मांगकर जल्दी निकल गया। बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ फैबा, तबीयत ठीक है, बस थाकी गयो। वसुधा, जरा ये बैग ले लेना प्लीज। दिकरा, बहु तो घर में न थी। वसुधा घर पर नहीं है, क्या गई फैबा? बेटा वो अपनी एक सहेली से मिलने गई है। मैंने कहा था उसे कि घर जल्दी आ जाना, पर अभी तक नहीं आई। लो बोलो। ठीक छे फैबा, कहीं बांधो नहीं। नहीं नहीं बेटा, मैं अभी उसे फोन करके बता देती हूँ कि तू आज घर जल्दी आ गया है। बेला, ये जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। ये क्या करूँ वसुधा, तो तू एक बार निशान को बैठकर समझा ना। मैंने समझाया, सब कुछ ट्राई कर लिया, पर कोई फायदा नहीं। हर रोज किसी ना किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता है। किसका फोन है? फैबा का। हाँ फैबा बोलिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा बेटा, और कितनी देर लगेगी तुम्हें घर वापस आने में? बेटा आज व्योमेश ऑफिस से घर जल्दी आ गया है और बहुत थका हुआ भी है। व्योमेश आ गए? हाँ बेटा, बस अभी अभी आया है। तू भी वहां से अब जल्दी निकल। हाँ फैबा, बस मैं अभी निकलती हूँ। सर, जय श्री कृष्ण। हाँ दिकरा, हमरा थोड़ी बार में वसुधा आवी जैसे। ठीक छे फैबा। क्या हुआ भाभी? वो तुम्हारे भैया जल्दी घर आ गए। बेला, I'm very sorry, लेकिन हमें अभी जाना हो। कोई बात नहीं वसुधा, तुम आई मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा मन हल्का हो गया। बेला, अब तू ज्यादा सोच मत और थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करके शांति से बैठ, तुझे अच्छा लगेगा। मैं तुझसे मिलने आती रहूंगी और फोन भी करती रहूंगी। थैंक यू वसुधा। चलो चलो चलो। भाभी, मैं घर नहीं आ रही हूँ, मुझे कहीं और जाना है, मैं दूसरा ऑटो लेके आ जाऊंगी। ठीक है, बाहर तक तो चलो। चलो बेला, मैं चलते हैं। बाय बाय। बाय बेला। अच्छा फैबा, खाने में क्या बनाया? बेटा, खाना तो वसुधा घर वापस आकर ही बनाएगी। मैंने उसे घर से बाहर जाने की छूट इसीलिए दी ताकि घर के साथ वो बाहर के व्यवहार भी अच्छी तरह से संभाल सके। अब कुटुंब का कोई भी प्रसंग होगा उसे ही संभालना पड़ेगा। आज तक तो ये सब कुछ मैं संभालती आई हूँ, लेकिन अब तो वसुधा संभालेगी ना। फैबा, तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करो, वसुधा सब संभाल लेगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सारे व्यवहार वसुधा अच्छी तरह से निभा लेगी। बेटा, तू मेरी कितनी परवाह करता है। आपने ही तो मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, मुझे संभाला है, आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। बेटा, वो भरत भाई का फोन आया था, कह रहे थे कि उनके बेटे की शादी कल रखी है। बहुत दुख था फैबा, भरत काका ने एकच तो दिख रो हो तो, और वो भी अचानक ऐसे एक्सीडेंट में चला गया।
जीवन और मरण हमारे हाथ में कहां होता है। बेचारे भरत भाई बहुत दुखी लग रहे थे, गांव में अपने बेटे का अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं और कल उसकी प्रार्थना है। फैबा, ऑफिस में बहु काम चल, तो काम की वजह से मैं तो नहीं जा पाऊंगा। कहीं मान तो नहीं दिख रहा, मैं भी नहीं जाने वाली हूँ। मैं वसुधा को कह दूंगी, वही चली जाएगी। अब घर के सारे प्रसंग उसी को संभालने होंगे। अब तो मैं घर की और बाहर की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती हूँ। अरे संजय, तुम आ गए, ऑफिस कैसा चल रहा है? हाँ, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आपने ऐसा फैसला क्यों लिया बेन? कैसा फैसला छुटकी? चेनी बात करे छे? आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? अरे ऐसे ही क्या है ना, हर ऑफिस में पॉलिटिक्स तो चलती रहती है। हाँ, वो तो चलती ही है। अच्छा है वहां पर चंद्रकांत काका है। देखो, तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो तुम मुझे या फिर चंद्रकांत काका को कह सकते हो। ठीक है, बता दूंगा। मैं फ्रेश होने जाऊं? मंजू को बोलना मैंने उसे बुलाया है। ठीक है भाई, जा। जी। वो घर में नहीं है तो कम से कम मंजू तेरे लिए कॉफी तो बना ही सकती है ना। जतिन, पूनम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आओ बैठो। सो सॉरी, बिना बताए चली आई। अरे इसमें सॉरी की क्या बात है, तुम कभी भी आ सकती हो, जब तुम्हारा मन करे आ जाया करो। इसी तरह सोनल कहाँ है? सोनल तो शूटिंग पे गई है, कुछ काम था सोनल से? नहीं नहीं। तो मुझसे कुछ काम था? तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाता हूँ। बैठो ना यहाँ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी जतिन। वाह वाह, सच अ कोइंसिडेंस। मुझे भी तुमसे जरूरी बात करनी है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी। हाँ, तो मैं क्या मना कर रहा हूँ? ना चेहरा देखो, सीधी थकी थकी लग रही हो, और तुम्हारे चेहरे की थकान सिर्फ मेरी कॉफी से उतर सकती है। तो यू रिलैक्स, मैं अभी आया। ये जतिन भी ना, मुझे बात करनी है और उसे कॉफी की सूझ रही है। हाँ छुटकी बोल, कैसी है तू? पता है तुझे ही फोन करने वाली थी, पर घर के कामों में उलझ गई तो भूल ही गई। हाँ, आपको वक्त ही कहाँ है अब हमारे लिए? आपका सारा वक्त तो आपके सासरे वालों के लिए ही तो है। ओहो, नाराज क्यों हो रही है? बता बात क्या है? मुझे आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अब ये गुस्सा वुस्सा बाद में निकालना, पहले ये बता कि मम्मी कैसी है? सब यहाँ पर ठीक है, सबको आपकी याद आती है, आपकी तरह नहीं जो सबको भूल गई। ओहो, फिर तो शुरू हो गई। अच्छा बता क्या हुआ है, बात क्या है? बता, आपने ऐसा फैसला क्यों लिया बेन? कैसा फैसला छुटकी? चेनी बात करे छे? आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा तो साफ साफ बता, खुलकर बोल, क्या बात है, क्या पूछना चाहती है? अब तुम्हारे बिना मन नहीं लगता पूना। इतना प्यार करते हो मुझसे? बहुत 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 प्यार करता हूँ, तुम्हें कभी मुझसे अलग नहीं होने दूंगा। तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि दुनिया में किसी ने किसी से ना किया हो। आपने घर से पढ़ाई करने का निर्णय क्यों लिया बेन? कॉलेज न जाकर घर से प्राइवेट एग्जाम देने का निर्णय आप ही ने किया ना बेन? सच बताइए ना बेन, ये डिसीजन आप ही का है ना?
हाँ ये निर्णय मेरा ही है। ऐसा गलत निर्णय क्यों किया आपने बेन? चुटकी तू इमोशनल होकर सोच रही है, इसीलिए तुझे मेरा डिसीजन गलत लग रहा है। अब देख, अब मेरी शादी हो चुकी है और इस बात से, इस हकीकत से मुंह तो नहीं मोड़ा जा सकता ना। अब मुझे जो कुछ भी करना होगा अपने परिवार को ध्यान में रखकर करना होगा। आप भूल रही है बेन, आप उस घर की बहू होने से पहले एक लड़की है। वो लड़की जो शादी से पहले अपने हक के लिए लड़ा करती थी, जो दूसरों की प्रेरणा थी। अगर आप घर से पढ़ाई करने की सोच रही है तो ये आप सही नहीं कर रही है। मैं जानती हूँ चुटकी। एक बात और बताइए बेन, क्या आज आप अपनी किसी सहेली से मिलने गई थी? हाँ गई तो थी मिलने चुटकी, लेकिन तुम लोगों को कैसे पता? किससे मिलने गई थी बेन? मम्मी जानना चाहती है। अरे अपनी सहेली से मिलने गई थी, लेकिन तुझे कैसे पता चला? वो बेला है ना, उसी से मिलने गई थी। खैर ये सब छोड़िए, मम्मी को आपकी बहुत चिंता हो रही थी इसीलिए मैंने आपको फोन लगाया। देख चुटकी, मम्मी को कहना कि मेरी बिल्कुल चिंता नहीं करें, मैं अपनी सहेली से मिलने गई थी लेकिन अब घर वापस आ गई। ठीक है, तुझे फोन करूंगी। बाय। जय श्री कृष्ण बे। अरे वसुधा, वो पूनम तुम्हारे साथ थी ना, कहाँ है वो? पूनम, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तुमसे बात करने का बहुत मन कर रहा है। हाँ तो करो ना बातें, मैं यही बैठा हूँ तुम्हारे पास। वैसे कल रात फोन क्यों नहीं उठाया तुमने? वो मैं सो गई थी और फोन साइलेंट पे था। मेरे सपने देख रही थी ना। पता है कल जब तुमने फोन नहीं उठाया ना तो मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, बस तुम्हारा ही ख्याल आ रहा था। मन कर रहा था कि झट से तुम्हारे पास आ जाऊं। सच्चे? हाँ पूनम, कल रात में तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। अब तुम्हारे बिना मन नहीं लगता पूनम। इतना प्यार करते हो मुझसे? बहुत 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 प्यार करता हूँ, तुम्हें कभी मुझसे अलग नहीं होने दूंगा। तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि दुनिया में किसी ने किसी से ना किया हो। ऐसा प्यार जिंदगी भर रहेगा क्या? कोई शक है तुम्हें? आज मैं भाभी के साथ उनकी एक सहेली से मिलने गई और उसकी हालत देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों, क्या हुआ उसे? जिससे वो प्यार करती थी उसी से उसकी शादी हो गई। तो ये तो अच्छी बात है ना? बात तो अच्छी है पर हालात अच्छे नहीं रहे। मेरा पहला प्यार हो पूनम, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। तुम्हें खो दिया तो मैं बिखर जाऊंगा, नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बगैर। आई लव यू पूनम, आई लव यू।